इधर रांची के काके में गुरुवार सुबह हुई गोलीबारी में एक बार फिर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुभाष मुंडा हत्याकांड से अभी रांची उभर भी नहीं पाई थी कि फिर से हुई इस गोलीबारी ने सबको सकते में डाल दिया है। देखिए इस गोलीबारी की इनसाइड रिपोर्ट। याद कीजिए सुभाष मुंडा हत्याकांड। हत्या का मुख्य कारण जमीन था। राजधानी रांची में लूट, छिनतई या फिर अन्य किसी और तरह के अपराध से ज्यादा जमीन विवाद के केस रजिस्टर होते हैं। ज्यादातर केस तो रजिस्टर भी नहीं हो पाते। अवधेश यादव भी जमीन कारोबारी है। अवधेश यादव पर हुई गोलीबारी भी जमीन विवाद की है। अवधेश ने अपने ऊपर गोली चलवाने के लिए चितरंजन प्रसाद नामक शख्स को जिम्मेदार ठहराया है। हमने भी थोड़ी रिसर्च की आखिर कौन है चितरंजन प्रसाद। अब ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए आखिर चितरंजन है कौन। चितरंजन एक LIC का सामान्य सा एजेंट हुआ करता था। आज सिर्फ जमीन की दलाली से चितरंजन करोड़पति है। चितरंजन और अवधेश पार्टनर रह चुके हैं। सिर्फ कांके रोड में चितरंजन ने 100 करोड़ से ऊपर की जमीन बेची है। कांके अंचल में चितरंजन का बहुत ही दबदबा है। चितरंजन प्रसाद मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। अब इस शिकायत को भी देखिए। इस शिकायत एक रिटायर्ड पुलिस वाले की है। चितरंजन ने ऐसे ही कई लोगों के साथ धोखा किया, लेकिन कांके थाना कभी भी चितरंजन के खिलाफ टाइट होता नजर नहीं आया। अब सवाल है ऐसे जमीन माफियाओं व प्रशासन की कार्रवाई आखिर कब होगी। रांची से TV45 के लिए अभिषेक भारती की रिपोर्ट। तो जिस तरीके से आपने इस रिपोर्ट में देखा कि कैसे एक बार फिर एक जमीन के विवाद को लेकर एक शख्स की जान चली गई, और इसी पर और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, जिस तरीके से जमीन विवाद को लेकर रांची, राजधानी रांची में हत्या मानो आम सी बात हो गई है, इस बार एक और शख्स की जान जमीन ने ली है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल अंकिता, मैं आपको बताऊं कि जमीन का ये जो मामला है इसको अगर आप दूर से देखिएगा तो आपको ऐसा नजर आएगा जैसे राजधानी रांची एक टाइम बॉम्ब पर बैठी हुई है। आज धमाका हो, कल धमाका हो, परसों धमाका हो, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप ध्यान दीजिए, सुभाष मुंडा हत्याकांड क्यों हुआ था? जमीन के कारण हुआ था। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि कैसे आदिवासी समुदाय के कुछ संगठन जा करके जमीन पर दखल कब्जा कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन सबसे वो हतोत्साहित हो चुके हैं। चितरंजन प्रसाद और अवधेश यादव पार्टनर हुआ करते थे। अवधेश यादव भी जमीन के कारोबार से जुड़ा हुआ है, चितरंजन प्रसाद भी जमीन के कारोबार से जुड़ा हुआ है। चितरंजन प्रसाद आज के समय में रांची के सबसे पैसे वाले लोगों में से एक है। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि सिर्फ एक LIC एजेंट से आज कम से कम 500 करोड़ का वो शख्स चितरंजन प्रसाद। तो आप समझिए कि ये सफर उसने कैसे तय किया। आप कांके रोड में हॉट लिप्स रेस्टोरेंट है, उस हॉट लिप्स रेस्टोरेंट के सामने और पीछे सैकड़ों एकड़ जमीन चितरंजन प्रसाद ने बेची है। उसमें कई जमीन तो आदिवासी नेचर की भी है। अपना एक होटल खोल चुका है चितरंजन प्रसाद। देखिए, फायरिंग किसने करवाई नहीं करवाई ये जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए। और इसकी जांच कौन करेगा? इसकी जांच प्रशासन करेगा। लेकिन एक घायल शख्स ने, जिसको 7 गोलियां जिस पर फायर की गई हैं, वो शख्स आरोप लगाता है कि मेरे ऊपर गोली चितरंजन प्रसाद ने चलवाई है। पुलिस चितरंजन प्रसाद की तलाश कर रही है। चितरंजन प्रसाद कौन है, हमारे मन में कौतूहल जागा। जब हमने थोड़ा बहुत रिसर्च किया तो पता चला कि अर्श से लेके फर्श तक का सफर चितरंजन प्रसाद ने तय किया। अवधेश जो यादव है उनको भी आप दूध से धुला नहीं कह सकते, जमीन के कारोबार से वो भी जुड़े हुए हैं। और रांची में स्थिति ऐसी है अंकिता कि अभी एक पत्थर उठा के अगर आप मारिएगा सड़क पर कहीं भी, रैंडमली कहीं पर भी, वो जाकर के किसी न किसी जमीन कारोबारी को लगेगा। मतलब हर तीसरा शख्स कोई जमीन का कारोबार से जुड़ा हुआ है। और जमीन की खरीद बिक्री का खेल, मतलब यूं समझ लीजिए कि पैसे कमाने का शॉर्टकट जमीन की खरीद बिक्री बनी हुई है। जमीन की खरीद बिक्री का जो खेल है वो इस तरीके से गली गली तक फैला हुआ है। तो गोलियां तो चलनी बहुत आम बात है। अगर कभी खबर आती है हमारे पास, हम अपनी बात बता रहे हैं कि हम मीडिया वालों के पास जब खबर आती है कि जमीन कारोबारी के ऊपर चली गोली,
तो हम यूं रिएक्ट करते हैं, ठीक है जमीन कारोबारी है ना, वो जमीन के चलते चला हुआ। और अगर मीडिया वालों के पास यूं खबर आती है कि कहां के इलाके में चली गोली, नामकुम इलाके में चली गोली, नगड़ी पुंदाग में चली गोली, बरियातू में चली गोली, तो हमें लगता है हम कन्फर्म होते हैं, हम आपस में बात करते हैं तो एक रिपोर्टर दूसरे को होता देखिएगा जमीन माफिया के ऊपर गोली चलाया होगा, आज जमीन माफिया गोली चलाया होगा। ये स्थिति अंकिता रांची में जमीन से लेकर के अभिषेक जिस तरीके से आपने बताया कि और हमने भी देखा है कि अक्सर ऐसी खबरें ज्यादातर खास करके राजधानी रांची से निकलकर सामने आती है जहां कहीं ना कहीं किसी न इलाके में जमीन विवाद होता है और उसमें गोलीबारी होती है। लेकिन अगर हम पुलिस की व्यवस्था की बात कर ले तो एक हत्या होती है उसे लेकर क्राइम मीटिंग होती है, लेकिन उस क्राइम मीटिंग का असर हमें कहीं से भी देखने को नहीं मिलता और अगले दिन ही एक गोलीबारी हो जाती है जमीन विवाद के मामले में। तो क्या कहना ऐसा बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्या भगवान भरोसे राजधानी या कह ले कि पूरे झारखंड की कानून व्यवस्था चल रही है? देखिए आप इसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहर सकते। मैं अगर कह दूंगा कि नहीं नहीं मौजूदा सरकार इसके लिए दोषी है तो ये बहुत छोटी बात हो जाएगी। पिछली सरकार में क्या गोलीबारी नहीं होती थी, जमीन का खेला नहीं होता था? होता है, सिर्फ झारखंड की बात मैं छोड़ दीजिए ना, आप देश में कहीं चले जाइए जमीन का खेल इसी तरीके से चलता है। तो आप किसी सरकार, हाँ सरकार को नीति बनानी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। देखिए होता क्या है, इसको समझने की जरूरत है। मैं तो कोई राजनीतिक व्यक्ति हूं नहीं, मेरा मोह माया ना जेएमएम से है, ना कांग्रेस से है, ना बीजेपी से है, ना आजसू से है। भाई जब सरकार में या तो हेमंत सोरेन चेहरा हो या फिर रघुवर दास चेहरा थे, स्थितियां वही की वही थी। आपको मैं एग्जांपल देता हूं क्या होता है। दो पक्ष के बीच में जब जमीन विवाद होता है तो आप जमीन विवाद को लेकर दो जगह पर जाते हैं, या तो आप थाना जाते हैं या तो आप अंचल कार्यालय जाते हैं। अंचल कार्यालय जाते हैं तो जो ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर के अंचल अधिकारी तक, सबको अपना अपना हिस्सा चाहिए। जब आप थाने में जाते हैं तो थाने के पास आप जाइएगा तो बड़ा बाबू, छोटा बाबू, हवलदार, जो मुंशी होता है वो, एफआईआर लिखने वाला, जो चौकीदार होता है वो, वहां से लेकर के ऊपर तक सबको अपना अपना हिस्सा चाहिए। तो जब और इसके बाद भी ये मामला खींचता चला जाता है, आदमी सोचता है कि नहीं ठीक है पैसा ले रहा है, कम से कम पैसा लेके तो मेरा काम करो, लेकिन स्थितियां ऐसी है कि पैसा लेकर के भी काम नहीं हो रहा, काम मामला खींचता चला जाता है। तो जब इस तरीके की चीजें आती हैं तो फिर आदमी का दिमाग दूसरी तरफ जाता है, वो सोचता है कि जब 1-2 लाख रुपए मैं इधर कर दूं तो बेरोजगारी इस कदर है कि 1-2 लाख रुपए वो किसी क्रिमिनल के ऊपर खर्च कर देता है कि जाओ फलाना का मर्डर कर दो। वो क्रिमिनल 10-20 हजार रुपए में एक देसी कट्टा उठाता है और जाके गोली चला देता है। इससे दो चीजें होती है, एक तो फ्यूचर का रास्ता उसका सेट हो जाता है कि भाई अब वो ना माना हुआ क्रिमिनल हो जाएगा। उसको ये समझ में उस समय नहीं आता है कि अगर उसने किसी पर गोली चलाई है तो पुलिस की किसी गोली पर ही उसका नाम लिखा है, या फिर उसका जो इंतजाम है वो बहुत फर्स्ट क्लास, मच्छर काटते हुए, ताजिंदगी गाली सुनते हुए होटवार में उसका इंतजाम है। बढ़िया से बढ़िया क्रिमिनल को ध्वस्त होते समय नहीं लगता है, लेकिन इस चीज को वो सोच नहीं पाता है। और ये जो आदमी जो सोचता है कि उसको त्वरित न्याय मिल जाएगा, वो फिर इसके चक्कर में ऐसा फंसता है कि पूरी जिंदगी उलझती चली जाती है। क्यों? क्योंकि एक बढ़िया सिस्टम जो है वो हमारे पास नहीं है। सरकार की कोई नीति ऐसे जमीन के मामलों को लेकर के नहीं है। अधिकारी, खास करके अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी लेवल के जो लोग होते हैं, ये सरकार के कंट्रोल में नहीं है। आपको मैं बताऊं, आप थाना में जाइए, थाना प्रभारी आपको बैठने के लिए नहीं पूछेंगे, आपसे वो एक गिलास पानी नहीं पूछेंगे, आपसे ऐसे बात करेंगे जैसे ऐसा लगता है उनके बाबूजी का आपने कर्जा ले लिया। अंचल अधिकारी का रुआब तो क्या होता है वो तो खैर हर कोई जानता ही है। सीआई, सीओ जो कर्मचारी होते हैं, जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, मतलब सब ऐसे बैठे होते हैं जैसे सिस्टम उनके बाबूजी का है। तो जब इस तरीके की चीजें होंगी तो उसकी परिणति अवधेश यादव के ऊपर गोली चलने जैसी स्थितियां उत्पन्न होती रहेंगी। अंकिता जी अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपसे एक और खबर पे हम आपसे और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। तो जैसा कि आपको बता दें कि रांची के काके में गुरुवार सुबह हुई गोलीबारी ने एक बार फिर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए। अब ये जांच का विषय बन चुका है, अब ये देखने वाली बात हुई कि पुलिस इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर रांची से निकलकर सामने आ रही है, जहां रांची पुलिस ने खुद को एक नोटिस जारी किया है। दरअसल एसएसपी ने आदेश जारी किया है, पुलिसकर्मियों को भी ट्रैफिक नियम अब मानना होगा, बिना हेलमेट या बिना सीट बेल्ट वाले पुलिसकर्मियों का भी चालान कटेगा। अब आम नागरिक ही नहीं बल्कि पुलिसकर्मियों का भी चालान कटने का आदेश जारी किया है एसएसपी ने। ये रांची पुलिस को नोटिस जारी किया है जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि अब पुलिसकर्मियों को भी ट्रैफिक नियम का पालन करना होगा, बिना हेलमेट या बिना सीट बेल्ट वाले पुलिसकर्मियों का चालान कटेगा।
और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए। अभिषेक, जिस तरीके से अगर ट्रैफिक नियमों की बात करें तो लगातार ट्रैफिक नियमों में कुछ ना कुछ गड़बड़ी की बातें सामने निकल कर आती है। अब लेकिन रांची पुलिस ने एक अलग ही आदेश जारी किया है जहां पे सिर्फ आम नागरिक को ही नहीं बल्कि अब पुलिस कर्मियों को भी अनिवार्य कर दिया गया है कि अब वो भी ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, ये एक बहुत अच्छा फैसला इसको कहा जा सकता है। इसके लिए रांची के एसएसपी साधुवाद के पात्र हैं कि आते ही उन्होंने ऐसा आदेश जारी किया है। नियम जो होता है वो हर किसी के लिए होता है। हेलमेट इसलिए नहीं पहनना है कि चालान कटेगा, हेलमेट इसलिए पहनना है कि भैया आपके जान की वो रक्षा करता है। मैं आपको आज सुबह का एक केस बताता हूँ, बहुत अच्छा ये बदलाव का चिन्ह है। मैं ऑफिस आया तो हमारे जो रिपोर्टर हैं और हमारे कैमरामैन हैं, इनके बीच में बहस चल रही थी। बहस क्यों चल रही थी? कैमरामैन के पास हेलमेट नहीं था। हम रिपोर्टर्स की ये कमजोरी होती है, हम रिपोर्टर्स ये सोचते हैं कि भाई हम तो पत्रकार हैं, हमारा चालान नहीं कटेगा, जबकि फिलहाल रांची में सबसे ज्यादा चालान पत्रकारों का कट रहा है। तो ये अ सीन ऑफ चेंज है, ये पॉजिटिव साइन है, ये इसको पॉजिटिव देखिए। तो उसी तरीके से रांची एसएसपी की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ऐसा देखा जा रहा है कि रांची जिले में पदस्थापित प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी कर्मियों के द्वारा वाहन का उपयोग करते समय यातायात के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, जो नियमानुकाल नहीं है। वाहन उपयोग करते समय हेलमेट, सीट बेल्ट इत्यादि उपयोग नहीं करने के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं, आम जन के में पुलिस की छवि खराब हो रही है। भाई ये लिखना ये बहुत अच्छी बात है। आप याद कीजिए, अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करूंगा। मतलब क्या होता था कि मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता था, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं लाल बत्ती नहीं लगाऊंगा, मैं गार्ड ऑफ ऑनर नहीं लूंगा। हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री बने, आप याद कीजिए, मुख्यमंत्री रजरप्पा गए थे मुख्यमंत्री बनने के बाद पूजा करने के लिए, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाना था, उन्होंने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, चप्पल पहन के उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर लिया, लेकिन फिर बोला कि नहीं अब मुझे गार्ड ऑफ ऑनर नहीं चाहिए, उन्होंने कहा कि मैं वीआईपी कल्चर भी बंद करूंगा। तो इस तरीके के जो सिंबल्स होते हैं ये पॉजिटिव साइन है, ये पॉजिटिव वाइब्स देते हैं पब्लिक को। आप रांची से किशोरगंज आएंगी, किशोरगंज से अशोकनगर जाएंगी तो हर 10 मिनट में एक वीआईपी मूवमेंट होता है, और उस वीआईपी मूवमेंट के कारण आम लोगों को बहुत समस्या होती है। एम्बुलेंस को रोक करके नेता मंत्री जो सेक्रेटरी होते हैं उनको आने जाने का रास्ता दिया जाता है। पब्लिक उत्साहती है कि बताइए हम जाम में परेशान रहेंगे, तो इन सब चीजों को बंद किया जाए। तो जब एसएसपी इस तरीके का आदेश देते हैं कि नहीं, जिनकी प्रतिनियुक्ति ट्रैफिक ड्यूटी में है, जिनका काम है कि भाई आप रूल फॉलो करें, वो खुद भी रूल फॉलो करने चाहिए, तो इस आदेश के लिए रांची पुलिस को ही रांची एसएसपी की तरफ से एक नोटिस जारी किया है कि भाई जो ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात है उनको भी अगर वाहन चलाते हैं तो हेलमेट लगाइए, अगर चार चक्का चला रहे हैं तो बेल्ट लगाइए, ट्रैफिक का जो नियम है उन तमाम नियमों को फॉलो करें, नहीं तो चालान आपका भी कटेगा। चूंकि पुलिस होने से पहले एक आम जनता है आप, और आम जनता के लिए जो नियम है वो आपके लिए भी नियम है, तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है। जी अंकिता जी, अभिषेक आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि एक रांची पुलिस की ओर से एक कह सकते हैं कि एक अच्छी पहल की गई है, जहां एसएसपी की ओर से एक आदेश जारी किया गया है जहां अब पुलिस कर्मियों को भी ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा और साथ ही साथ हेलमेट लगाना भी अनिवार्य किया गया है ताकि जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उस पर रोकथाम किया जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।